हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लगाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का सरेंडर, हिफाजती जमानत मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राव अनवार गिरफ्तार। नकीबुल्ला कत्ल केस की तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी आफताब पठान की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील, हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जिंदगी को खतरात थे, साबिक एसएसपी मली राव अनवार का अदालत में बयान, पेश होकर कोई एहसान नहीं किया, इतने दलेर हैं तो कहां छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, नाम इस जेल में रखने की हिदायत, साबिक एसएसपी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। गिरफ्तारी के बाद राव अनवार को बख्तर बंद गाड़ी में एसएसपी सिक्योरिटी ऑफिस मुंतकिल किया गया, पहली दस्तयाब पीआईए की फ्लाइट से कराची रवाना किया जाएगा। गाड़ी, चेहरे पर मास्क, साबिक एसएसपी मलीर की 2 माह बाद ड्रामाई अंदाज में अदालत पेशी, गाड़ी रुकते ही बर्क रफ्तारी से पुलिस अहलकारों के हमरा सुप्रीम कोर्ट दाखिल। हम ये सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे, पहले हमारे ये भरोसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट हमको इंसाफ देता है। कोई दबाव है राव अनवार पे तो वो अदल का होगा, कोई खौफ उसे होना चाहिए तो इंसाफ का होना चाहिए, और डरना किसी से चाहिए तो कानून और अदालत से चाहिए। वी विल पुट द फेयर ऑफ द लॉ एंड द कोर्ट्स इन राव अनवार। हाथ बंधे हुए नौजवानों को जिस तरीके से वो कत्ल करता रहा है, तो अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सीना और दिल बड़ा करके अदालतों का भी सामना करना चाहिए। बेटे के कत्ल पर सब गमजदा, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, मकतूल के वालिद केस में पेशरफ्त पर मुतमईन, नकीब के रिश्तेदारों ने अदालतों को पाकिस्तान का फख्र करार दे दिया। बात पैनामा की चल रही थी, फैसला अकामा पे आ गया। इस फैसले के नतीजे का जो इंतशार है उसकी वजह से आज डॉलर जो है ना वो 116 रुपए का आपने देखा हो गया है। अब अंदर से भी और बाहर से भी ये आवाजें उठ रही हैं। नवाज शरीफ अपनी नाअहली पर फिर बरस पड़े, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर फैसला लिखा गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। अवाम की तोहीन हुई, वो तोहीन की दरख्वास्त कहाँ दायर करें, कप्तान और शेख रशीद पर भी कड़ी तनकीद। इमरान खान जो जिसने खुद इतराफ़ जुर्म किया है उसको सादिक और अमीन करार दे दिया गया है। मैं प्लॉट लिया है एक कनाल, वो उसकी अपनी कीमत आज 5.5 करोड़ में अखबारों में लिखी हुई है, उसको कहते हैं मैंने 1 करोड़ में लिया है। अलजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नैब गवाह नौरीन शहजादी पर ख्वाजा हारिस की जिराह मुकम्मल, एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर वाजिद ज़िया को तलब कर लिया। तो यहाँ जो फाइनल हो रहा है इसको देख रहे हैं, इसमें खेल भी रहे हैं बकायदा। आप बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग? हम अभी तो बाउंड्री वॉल से वायर ही खेल रहे हैं। जी इसको 22 करोड़ एंजॉय कर रहा है, देख रहे हैं हमारी अदालतों ने क्या फैसले दे दिए, क्या हो गया।
अदालत के बाहर दिलचस्प गुफ्तगू, क्या पीएसएल का फाइनल देखने कराची जाएंगे? सहाफी का सवाल, अभी तो अदालत में मैच खेल रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जवाब। या फिर ये मुझे टिकटिकी बांध के देखता था, तुम क्यों देखते थे मुझे, शर्म नहीं है तुमको? आमिर खान, अपनी नजरों को अपने पास रखो, शर्म करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खालिद मकबूल साहब, आपकी शादी भी इसी तरह से हुई, वो वर्कर थी, बाजी बोलते थे आप उनको, और फिर उसके बाद आपने शादी करी उनसे। आमिर खान टिकटिकी बांध कर देखा करते, शिकायत पर खिलाफ हो गए, अब नहीं डरती। इरम अजीम फारूकी का चैलेंज, जिसको कहा बाजी उसी से की शादी, खालिद मकबूल सिद्दीकी पर भी वार। के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। राव अनवार की हिफाजती जमानत मुस्तरद हुई, जिसके बाद वो सिंध पुलिस के हवाले कर दिए गए, और अब नकीबुल्ला कत्ल केस की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत की बात करें तो ये लम्हात भरपूर सनसनी से मुजय्यन थे, इस तरह से जब ड्रामाई अंदाज में साबिक एसएसपी मली रॉ अनवार अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा कि मैं खुद को अदालत के सामने सरेंडर करता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप एहसान नहीं कर रहे, आप बहुत दलेर हैं, कहां पर छुपे हुए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और उनका नाम ईसीएल में डालने का हुक्म देने के साथ उनके अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए हैं, और साथ ही उनको कराची मुंतकिल करने के हवाले से भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं, जबकि जो जीआईटी पहले तश्कील दी गई थी उसके ऊपर राव अनवार ने जो एतराजात किए थे उनको मुस्तरद करते हुए एक बार फिर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल करने की उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जहां राव अनवार का यह कहना था कि उन्हें सिंध पुलिस की तहकीकाती कमेटी पर तहफुजात हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि वो किन लोगों को इस कमेटी में शामिल करना चाहते हैं, इस पर राव अनवार ने कहा कि हसास इदारों को कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस दौरान यह भी रिमार्क्स दिए कि अदालत को हैरत है, आपने कितनी दलेरी से 2 खत लिखे और इतना अरसा रूपोश रहे और किसी इदारे को भी आपके बारे में इल्म नहीं हो सका। एडी खाजा आईजी सिंध वो भी बारहा ये बताते रहे कि व्हाट्सएप के थ्रू कॉल की जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी गिरफ्त या उन्हें ट्रेस करना मुश्किल है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज कमर उल मुनव्वर से। कमर, मजमूई तौर पर आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई और समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, आज जब सुप्रीम कोर्ट में अचानक राव अनवार दाखिल हुए तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जिसमें वो ऊपर चले गए और वहां पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने अहकाम जारी किए कि राव अनवार जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जो वफाकी पुलिस थी वो उस पर मौजूद थी, तमाम सिंध पुलिस के जो नुमाइंदे थे उनको ये कहा गया कि तमाम जो कानूनी कार्रवाई है उससे एग्जेम्प्ट किया जाता है कि वो रादारी रिमांड ले। इसी वजह से पोजेशन जो है राव अनवार की वो सिंध पुलिस के हवाले कर दी गई, और आज ही कहा यह जा रहा था कि सिंध पुलिस इसको कराची जो है वो मुंतकिल करेगी। राव अनवार फ्लाइट शेड्यूल जो था वो नहीं मौजूद था, 4 बजे की जो फ्लाइट कराची के लिए जानी थी वो मंसूख हो चुकी थी, इसी वजह से अब 7 बजे जो है वो उनको कराची मुंतकिल किया जाएगा। इससे कबल अब उनको डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो एसएसपी सिक्योरिटी का दफ्तर है वहां पर उनको रखा गया है, जहां पर दूसरे भी अफसरान जो है वो मौजूद है, और तकरीबन 6:30 बजे कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनको इस्लामाबाद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके जरिए कराची मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इनको को सामने तफ्तीश करते हुए नकीबुल्ला मर्डर केस, इसके अलावा जो दूसरे केसेस जो इन पर मौजूद है उस पर तहकीकात की जाएगी। अच्छा, वजीर दाखला सिंध सुहेल अनवर सयाल का ये कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम होंगे जिनकी रोशनी में ये केस आगे चलेगा, वाज़ह अहकाम दिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत? जी बिल्कुल, इस हवाले से अब जो सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो रिपोर्ट जमा कराई जाएगी इस हवाले से, वो भी क्योंकि जिस तरह पहले राव अनवार की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तमाम चीजें जो है वो इनसे लेती थी, जो रिपोर्ट जिस तरह की जो फाइंडिंग इन्होंने की होती थी और जो जो काम इन्होंने इसकी गिरफ्तारी के लिए किए होते थे वो सुप्रीम कोर्ट पूछती, तो अब जो इसकी जो जेआईटी की रिपोर्ट होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तलब करेगी और जो जो इसमें डेवलपमेंट होगी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। नकीबुल्ला कत्ल केस में मुलविस मुबैना मोस्ट वांटेड मुलजिम साबिक एसएसपी मली रॉ अनवार ड्रामाई अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, अदालत ने रॉ अनवार की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
سفید کار، چہرے پر سب سرجیکل ماسک، عدالت میں پیشی کا غیر معمولی انداز، یہ مناظر نقیب اللہ قتل کیس میں ملوث موسٹ وانٹیڈ مبینہ ملزم سابق ایس ایس پی ملی راو انوار کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے ہیں۔ راو انوار نے سپریم کورٹ میں آج انتہائی ڈرامائی انداز میں انٹری دی۔ سفید کار میں سوار راو انوار نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ کار جو ہی عدالت کے صدر دروازے کے سامنے آ کر رکی، راو انوار نے انتہائی برق رفتاری سے چہرے پر چڑھایا ہوا ماسک اتارا اور صدر دروازے سے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے راو انوار کو 27 جنوری کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن راو انوار عدالت کا سامنا کرنے سے مسلسل گریزا تھا۔ سابق ایس ایس پی ملی راو انوار پر قتل، جعلی پولیس مقابلہ اور جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کے مقدمات درج ہیں۔ نقیب اللہ قتل کیس میں ملوث مبینہ ملزم سابق ایس ایس پی ملی راو انوار کو سپریم کورٹ کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جی آئی ٹی میں کون شامل ہوگا، مشاورت کریں گے، یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی اور سے مشورہ کریں گے، عدالتیں آزاد ہیں۔ راو انوار کو سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق ایس ایس پی عدالت عظمیٰ کے کمرہ نمبر 1 میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے روبرو پیش ہوئے۔ راو انوار نے معزز عدالت کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا، سرنڈر کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا، آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہو لیکن خود چھپے رہے، اتنے بہادر ہو؟ عدالت نے راو انوار کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے تحقیقاتی ٹیموں پر راو انوار کے تمام اعتراضات بھی مسترد کر دیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مفرور کے ساتھ قانون کی کوئی ہمدردی نہیں، عدالتیں آزاد ہیں، کسی سے مشاورت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے راو انوار کی حفاظتی ضمانت کی درخواست خارج کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سندھ آفتاب پٹھان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈاکٹر رضوان، ولی اللہ، ذوالفقار لاڑک اور آزاد خان بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ عدالت نے حساس اداروں کے نمائندے شامل کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے راو انوار کے منجمد اکاؤنٹس کھولنے کا حکم جاری کرتے ہوئے نام بھی ای سی ایل میں رکھنے کی ہدایت کی۔ ایسے میں نقیب کے والد کہتے ہیں کہ امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ بیٹے کے قتل پر سب لوگ غم زدہ ہیں۔ نقیب کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ پہلے دن سے سپریم کورٹ پر بھروسہ تھا، راو انوار اب عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ ہم یہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کروں گا، پہلے ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہم کو انصاف دیتا ہے۔ کوئی دباؤ ہے راو انوار پہ تو وہ عدل کا ہوگا، کوئی خوف اسے ہونا چاہیے تو انصاف کا ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نقیب اللہ محسود کے والد نے کہا کہ بیٹے کے قتل پر سب لوگ غم زدہ ہیں، سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے، امید ہے ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم یہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کروں گا، پہلے ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہم کو انصاف دیتا ہے۔ نقیب کے رشتہ داروں نے اس موقع پر کہا، انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے، پاکستان کی عدالتیں ان کا فخر ہیں، پہلے دن سے سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے، راو انوار اب عدالتوں کا سامنا کریں۔ چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر اب کوئی دباؤ ہے راو انوار پہ تو وہ عدل کا ہوگا، کوئی خوف اسے ہونا چاہیے تو انصاف کا ہونا چاہیے، اور ڈرنا کسی سے چاہیے تو قانون و عدالت سے چاہیے۔ وی ول پٹ دا فیئر آف دا لا اینڈ دا کورٹس ان راو انوار۔ ہم نے اسی دروازے سے انصاف مانگنا تھا اور اسی دروازے سے انصاف کے طلبگار ہیں، اور انشاءاللہ یہی امید ہے ہماری آخر تک کہ ہم یہاں سے انصاف لے کے جائیں گے، اور ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ راو انوار صاحب کا یہ جو خوف ہے، میرا خیال ہے اب وہ یہ خوف اس کو دل سے نکال لینا چاہیے، جس دلیری کے ساتھ خود کو شو کر کے ہاتھ بندھے ہوئے نوجوانوں کو جس طریقے سے وہ قتل کرتا رہا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سینہ اور دل بڑا کر کے عدالتوں کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ نقیب کے رشتہ داران کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون سے باہر کسی قسم کی جد و جہد